नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद खान राजू। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लखनऊ के लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा दिलाने के लिए बेमिसाल कदम उठाया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गोमती नगर थाने पहुंचकर न सिर्फ एसएचओ को सम्मानित किया बल्कि पुलिस को 40 नए बैरिकेड्स भी सौंपे। इन बैरिकेड्स का इस्तेमाल अब शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। दरअसल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बहुत कम वक्त में ही देश का भरोसा जीता है। ये बैंक एक बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ कम वक्त और कम ब्याज दर पर लोगों को लोन मुहैया कराता है। वहीं बैंक के मैनेजर मनीष गुप्ता ने न्यूज़ टाइम नेशन से बात करते हुए बताया कि उनका बैंक एक जिम्मेदार बैंक है, लिहाजा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उन्होंने पुलिस को ये बैरिकेड सौंपे हैं। आप जैसा कि जानते हैं, कोई भी अगर कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हम लोग का कुछ CSR करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंडियन नागरिक होते हुए हमारी अपनी एक इंडियन सिटीजन होने का एक हमें एक अपना पालन करना चाहिए। तो हम लोग ने अंडर CSR एक्टिविटी हम लोग ने 40 बैरिकेड्स जो है लखनऊ पुलिस को दिए हैं, और इस बैरिकेड से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ट्रैफिक कंट्रोल में होगा, और जो भी मुख्य चौराहे हैं यहाँ पर लखनऊ के, वहाँ पर ये बैरिकेड्स लगेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ SSC साहब का और SSO साहब का, जिन्होंने हमें मौका दिया प्रस्तुत करने का। SSO सर से मुलाकात हुई है और उसके बारे में हम लोग ने अपने बैंक के बारे में बताया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज हम लोग ने यहाँ पे अपने बैरिकेड्स हम लोग ने दिए हैं ताकि लखनऊ का ट्रैफिक जो उसका पालन है वो सही से होता रहे। और इसके अलावा हमारा जो AU बैंक है वो 25 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और एज अ बैंक हम लोग 4 साल से कार्यरत हैं। इस मौके पर गोमती नगर के थाना अध्यक्ष धीरज कुमार खुद मौजूद रहे। उन्होंने बैंक के इस योगदान के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।